ये चार नंबर का जो ज्वाइंट कर रहा हूँ, ये पीले कलर का मेरा, इसमें धारी वाला जो है एसएम साइड जाता है। ये हुंडई की वरना गाड़ी है और इसमें फ़िलहाल मैं सीएनजी लगा रहा हूँ, और ये सीएनजी देख रहे हैं, इसमें मीजो कंपनी का ये एसएम है 8 इंजेक्टर वाली। इसको मैं फ़िलहाल खोल के दिखाऊंगा। ये वायरिंग हो रहा है इसका, देख रहे हैं कितना ज़्यादा वायरिंग है, वायरिंग करना है। और इसमें मैं इसका रेड्यूसर लगा दिया, ये मैप सेंसर सारे फिटिंग हो गया है, सिर्फ अब वायरिंग करना है इसका। ये अपना जुनेद हो गया और फिलहाल मैं इसका वायरिंग फटाफट कर देता हूँ। ये है 8 इंजेक्टर वाली है, पिस्टन तो 4 ही है इसमें, प्लग देख रहे हैं 4 लगता है, मगर इंजेक्टर इसके 8 कर दिया है कंपनी ने। इसमें का कटिंग हुआ है माइनस वायर, ऐसे लगा होता है तो इसमें लेफ्ट साइड का वायर कटता है, इसका भी लेफ्ट साइड का ही वायर कटेगा माइनस वाला। ये एसीएम हो गई 8 इंजेक्टर के, दे यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेशली मेड फॉर 8 इंजेक्टर व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट ईसीएम। यहाँ पे इसके पिन दे रखे हैं, इसके सॉकेट हो गए हैं, ये सॉकेट इसमें फिट बैठेगा, लगा रहे हैं। ये वायरिंग हो गई, मैं फिलहाल इसको वायरिंग को मैं इसमें लगाने वाला हूँ। ये हो गया इसका ईसीएम हो गया, और मैं इसको सॉकेट फिलहाल इसमें बैठा दूंगा, इसको इसमें अंदर सॉकेट होता है, सॉकेट लगने के लिए इसको सेकंड नंबर इसमें इसको बैठा होता है, ऐसे करके इसको प्रेस करना होता है। ये हो गया फिक्स, ये बैठ गया, और इसमें इसका रेड्यूसर लगा दिया गया है, वायर मैप सेंसर लग गया है, अब वो वायरिंग बच गया इसका, लगा देता हूँ। इसका पीछे सिलेंडर लग गया है, ज्वाइंट कर रहा हूँ 4 नंबर का, इसमें है जिसमें इसमें वाइट दे रखा है, ये है 1 नंबर का, इसमें 12 वोल्ट का नहीं दे रखा है, इसमें 12 वोल्ट का एक दे रखा है, ये है 1 नंबर वाला इंजेक्टर में जाएगा, ये जाएगा 2 नंबर, जैसे 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7 ऐसे जाएगा। फिलहाल मैं लगा रहा हूँ, येलो कलर का लगा रहा हूँ 4 नंबर में, फिर मोबाइल टेढ़ा करेगा तो फिर वीडियो ख़राब हो जाएगा। ये 4 नंबर का जो ज्वाइंट कर रहा हूँ, ये पीले कलर का मेरा, इसमें धारी वाला जो है एसीएम साइड जाता है, बगैर धारी वाला जाता है कपलर साइड, ये कपलर होता है एसीएम, यहाँ पे इस साइड होता है। फिलहाल मैं गाड़ी के ऊपर ही बैठ गया हूँ, इंजन के ऊपर, उसके बाद आराम से काम कर रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा। इसमें ग्रीन कलर जुड़ गया, येलो कलर जुड़ गया, एक लाल कलर जुड़ गया, अब ये लाल कलर जोड़ना है और लास्ट में नीले कलर जोड़ना है। ये 1 नंबर में नीला जाता है, 2 नंबर में लाल हो गया, 3 नंबर में हरा और 4 नंबर में पीला, ऐसे ज्वाइंट होता है। ये देखो कैसे बैठे हैं, और फिलहाल ये रेड्यूसर हो गया, मीटर हो गया, ये हो गया फिल्टर, गैस फिल्टर हो गया, मैप सेंसर हो गया, इंडक्टर यहाँ पर लगेगा, एसीएम वहाँ पर है, सारे कंप्लीट फिटिंग हो रही है। ये है वरना हुंडई की 2023 मॉडल, ये वरना 8 इंजेक्टर की है, तो 8 इंजेक्टर का फिलहाल मैं 4 इंजेक्टर इसमें है, 4 इंजेक्टर इसमें है। फिलहाल बीच में मैं पाइप को ज्वाइंट कर दिया हूँ, यहाँ से ब्लॉक है, यहाँ से ओपन है, भाई फिट में लग जाएगा। अब इसको फटाफट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ बोल्ट, इसको लगाया जा रहा है। अब इसका इंजेक्टर लगा दिया हूँ, पाइप लगा दिया हूँ, 1, 2 नंबर पर, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, फर्स्ट इंजेक्टर का हो गया, थर्ड दूसरे इंजेक्टर का हो गया, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और ये 4th नंबर यहाँ से हो गया, फिर ए बी सी डी ऐसे लगा दिया गया है। अब यहाँ से बीच में पाइप कनेक्ट कर दिया गया है, और ये कंप्लीट हो गया है गाड़ी फिटिंग। अब इसको मैं फिलहाल स्टार्ट करके अब चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसका ईसीएम बांधना है, यहाँ पर हुआ है,
ये गाड़ी स्टार्ट कर दूँ, इसमें इंडिकेटर आ रहा है, इंडिकेशन आ रहा है भाई, बोनट खुला हुआ है, ये सॉफ्टवेयर कनेक्ट हो गया, हो रहा है, ऑटोमेटिक है, ये सॉफ्टवेयर कनेक्ट हो गया है। अब मैं इसका सेटिंग मिलाऊंगा, इसको खोलेंगे, इसको करेंगे वीक कर दिए और वन कॉइल कर दिए इस पर, यहाँ पे वो देखते हैं इसको स्टैंडर्ड करके, आरपीएम सिग्नल नहीं दिखा रहा सही, इसको वीक नहीं रहेगा। अब यहाँ पे आरपीएम सही चल रहा है, देख रहे हैं, अब इसको 800 आरपीएम चेंज हो, इसको कर देते हैं 600 आरपीएम कर दिया है। ये हीटिंग वाले हटा देते हैं, 8 सिलेंडर गया यहाँ पे, इसलिए कर देंगे 8 सिलेंडर। और ये लिमडा कुछ कनेक्ट नहीं किए हैं, इसमें भी इंजेक्टर हीटिंग कर देते हैं ऑन, मैप सेंसर सही है। अब इसको करते हैं गैस पे, और इसमें कुछ एरर आया है, आवाज़ आ रहा है स्विच की, देखते हैं किस चीज़ का आ रहा है। इसमें आ रहा है रेड्यूसर सोलनॉइड वाल्व। अब इसका सेटिंग मिला रहा हूँ, मैप सेंसर खोल दिया हूँ, और मैप सेंसर को मैं एडजस्ट करूँगा गाड़ी के अकॉर्डिंग, कितना हमें मैप सेंसर से गैस खोलो दिया जाए। यहाँ पे गैस का इसमें होता है, माइनस करोगे तो गैस ज़्यादा जाता है, मैप ऊपर बढ़ेगा तो गैस कम जाता है, जैसे अभी 132 जा रहा है, इसको मैं प्लस करूँगा तो गैस कम जाने लगेगा, इसको मैं प्लस कर देता हूँ 33, तो ये जो है गैस एंड पेट्रोल पे जाऊंगा, इसका एंटीसिपेट जो होता है ऑन कर दूंगा, यहाँ पे ऑफ है, इसको ऑन करने के लिए इसको सबसे पहले गाड़ी को पेट्रोल पे करना पड़ेगा, ये रही पेट्रोल पे आ गई। अब इसको क्लिक करके ये देखो हो गई, अब फिर मैं इसको गैस पे कर दूंगा, अभी पेट्रोल पे है, 10 सेकंड तक पेट्रोल पर रहेगा, उसके बाद अब आ गई गैस पे। अब यहाँ पे भी एक्स्ट्रा कटिंग इंजेक्शन सही है, यहाँ पे मैं निशान लगा दिया, इसमें कुछ नहीं करना है, चेंज जो भर में मैं शुरू से बता देता हूँ आप सभी को। यहाँ पे वाल्टेक इंजेक्टर टाइप है, वीक हो गया गाड़ी के हिसाब से, वन क्वाइल है से, जिसमें इको हो गया उसमें टू क्वाइल जाता है, वीक जाता है। यहाँ पे 8 इंजेक्टर किया तो 8 इंजेक्टर डाल दिया गया है, ये इसको चेंज ओवर 600 आरपीएम पे चेंज हो जाएगा गैस, पेट्रोल से गैस पे। ये 25 डिग्री टेम्परेचर है तो इसको मैं कर देता हूँ 30 डिग्री, इसको मैं कर दिया 30 डिग्री सेकेंड कर दिया, 10 इंटर दबाना ज़रूरी है इसमें करके, नहीं तो नहीं होगा। और आते हैं लैम्डा नहीं कनेक्ट है, यहाँ पे लेना है इसको, ये होता है 0.4 का कर देंगे इसको, इसको 0.4 करेंगे के हमारा इतना लो प्रेशर तक गैस पे चलेगा, नहीं तो 1 पॉइंट पे ही जाकर पेट्रोल पे बैक मार जाएगा, और जो भी 10-15 किलोमीटर चलने वाला होता है वो नहीं चल पाएगा। गाड़ी बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, गाड़ी गैस पे चल रही है, और मैं दिखा देता हूँ सेटिंग हो गई। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना की कंप्लीट फिटिंग मैं आप लोगों को दिखा दिया, इसमें पीछे दिखा रहा हूँ कैसे सिस्टम हुआ है इसका, इसमें भरने वाला गैस पीछे ही लगाया गया है, कस्टमर का डिमांड था कि भाई डिग्गी में लगाना है, और ये सिलेंडर हो गया।